अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बनाना सीखेंगे लोगो, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैं ये नाज़रीन से कहना चाहूँगा कि जैसा कि हर यूट्यूबर जो है वो कहता है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए बग़ैर किसी तमहीद के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पिक्सल लैब को ओपन कर लेते हैं। अब ये ऐसा नज़र आएगा, तो इससे हम पहले सबसे पहले टैक्स जो है इसको ख़त्म करेंगे। टैक्स को ख़त्म करने के लिए हम ए पे क्लिक करेंगे, जो आपको निशान नज़र आ रहा है इस पे जाएंगे। अब डिलीट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसको ये डिलीट हो गया, ठीक है। अब हमने लेना है वो सर्कल, वो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो वो आपको गूगल से मिल जाएगा। तो आप उस सर्कल को अब जो है वो डाउनलोड कर लें। ये देखें, अब हमने सर्कल को ले लिया है। अब हमने इसमें देखना क्या है कि इसका साइज़, ये साइज़ हमने फुल कर लेना, फुल। अभी फुल हो गया, तो अब हमने लेना है एक और शेप्स पे जाना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम इसको लॉक कर लेते हैं ताकि ये हमें तंग ना करे बार बार, इसकी वजह से क्योंकि परेशानी होती है। अब हम जाते हैं शेप्स पे, ये शेप्स हमने ले ली, इसको हम बिल्कुल गोल कर लेते हैं। अब हमने इसको बिल्कुल इसके ऊपर रख लेना है और बाकी आपको जैसे अच्छा लगे। यहाँ पे इसका कलर भी फिर हमने जैसे जैसे, अब हम पहले इसको साइज़ यानी सेट कर लेते हैं। तो देखें, हमने इसका कलर कर लिया है सुर्ख, लाल लाल कलर इसका है, रेड कलर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके यानी बॉर्डर को थोड़ा सा जो है वो देखना है। बॉर्डर यहीं से ही बॉर्डर थोड़ी सी इसकी देख लेंगे, ये ब्लैक कलर में जो है इसकी बॉर्डर। अब जाना है बाहर पे, अब हमने एक दोबारा से एक और बॉर्डर जो है इसकी लेनी है। तो हमने वाइट कलर में वो बॉर्डर दोबारा से लगा दी, रेड कलर में, ब्लैक कलर में, एक वाइट कलर में। तो अब हमने इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना है दोनों, यानी बिल्कुल दरमियान में आ जाए उस सर्कल के। तो अब हम इसको अपने हिसाब से जो है वो सेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब जब ये हो गया सेट, तो अब हमने करना क्या है, अब जाहिर है ये हमारा डिज़ाइन जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इसके लिए क्या करना है, टैक्स लेना है। तो टैक्स हमने ले लिया, टैक्स ये देखें, न्यू टैक्स हमने ले लिया। अब हमने इस पे लिखना है मोहम्मद, जो आप अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं वो लिखें। तो मैं अपना ये नहीं, एक नाम तैयार कर रहा हूँ। तो ये अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी नाम तो ये तो ले लिया, लेकिन अब हमने इसके फॉन्ट चेंज करने। तो फॉन्ट के लिए मैंने एक पिक्सल लैब में कैसे ऐड करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, कहाँ से डाउनलोड करने हैं, इसकी एक वीडियो मैंने पहले से बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पहले से दे दूँगा। तो बहरहाल हमने ये इसका फॉन्ट चेंज कर लिया, अब इसका हमने साइज़ जो है वो करना है अपने हिसाब से, जैसे आपको मुनासिब लगे वो कर लेना, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से इसका साइज़ जो है वो रख ले रहा हूँ, जहाँ मैंने इसको रखना है वहाँ मैं रख लूँगा। फिर जो है वो ये देखें, अब मैं अपने हिसाब से यानी सेट कर रहा हूँ ताकि यानी ये खूबसूरत जो है वो अच्छा लगे, मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना ये देखें सेट कर लिया, ठीक है। अब इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब मुझे यानी फॉन्ट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी का ही यही फॉन्ट चाहिए मुझे, तो इसलिए मैंने इसकी कॉपी की। अब हमने लिखना है, मैं अब सारा नाम जो है वो अलग अलग से, ताकि यानी अब हमने मैंने लिख लिया अलिफ़। तो अब मैं इसको अपने हिसाब से सेट यानी सेट कर लूँगा और इसी के हिसाब से इसको सेट करते रहेंगे। फिर इसकी कॉपी की इसी के हिसाब से दोबारा से, और अब जो है मैं, अब देखें ये लिखा तो हुआ है लेकिन साइड में जो है वो कुछ कटा हुआ, ये मैं आपको निशान जो बतला रहे हैं। तो ये अब आपको कैसे पूरा करना है, इसको पूरा करने के लिए मैं दोबारा से जाऊंगा और स्पेस जो है वो दो दफ़ा आगे से, दो दफ़ा पीछे से जो है वो स्पेस, ताकि पूरा हो जाए। देखें अब ये पूरा हो गया, ठीक है। अब मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर लूँगा, ठीक है। तो अब ये दोबारा मैंने इसकी कॉपी की, अब मैंने दूसरा जो और भी नाम जो लिखना है वो मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसके इसको मैं अपने हिसाब से, जैसे इश्तहारात के अंदर नाम वगैरह लिखते हैं ना, तो उसी के हिसाब से मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, मैं अब अपने हिसाब से इसको मैंने सेट कर लिया, ठीक है। अब इसी की हमने कॉपी की
और दोबारा मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ, वो मैंने ये हज़रत मौलाना। अब ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका हम साइज़ पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग हुआ पड़ा है, तो यहाँ दो गोल निशान नज़र आ रहे होंगे आपको, इनमें से एक को पीछे, यानी पीछे जो पीछे वाला है इसको थोड़ा सा इसको दबा के पीछे कर लेंगे। मैंने ये पीछा कर ली, पीछे करके अब इसको दरमियान से अब देखें इनमें फ़र्क है, स्पेस यानी कुछ फासला है। इस फासले को ख़त्म करने के लिए मैं जाऊँगा स्पेसिंग पर, ये आपको निशान दे रहा हूँ। तो स्पेसिंग पे जाके अब हमने इसको यानी बिल्कुल क्लोज़ कर लिया, ठीक है। अब इसको जो है मैं अपने हिसाब से साइज़ के हिसाब से इसको सेट कर लूँगा, ठीक है। तो अब हम इसको अपने हिसाब से सेट करते रहेंगे, और जो है साइज़ भी आप देखते रहना कितने साइज़ पे कितना रखना है, उसके एतबार से अब हम इसी की कॉपी कर लेते हैं, या और जो और नाम और चीज़ें जो लिखनी हैं उनको भी देखते रहें। ये मैंने मोहतरम लिखा है, और इसका अब हम साइज़ जो है वो देख लेंगे, उसके एतबार से जो यहाँ सही अच्छा लगे फिट आ जाए, तो इसी की कॉपी करके फिर हम मोहतरम लिखेंगे। मोहतरम लिखा है इसका, और अब हम जनाब लिखेंगे। लिख के अभी इसको हम इसी के एतबार से हम सेट करते रहेंगे, साइज़ वग़ैरह जो है वो आप ख़ुद देखते रहना। तो ये इसी का, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे, और इसका साइज़ जो हमने ये रखा है। तो अब हमने और जो जो दूसरी जो चीज़ें हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनको जो लिख रहे हैं, आप अपने एतबार से उनको सेट करते रहना। मैं अपने हिसाब से जितना बड़ा आपने नाम लिखना है उसी के एतबार से आप सेट करते रहें, जो जैसा आपने यानी इश्तिहार अगर इश्तिहार वगैरह बनाना हो तो उसके लिए तो ये सबसे बेस्ट है। और मैंने बहुत से इश्तिहार जो हैं इसी एतबार से बनाए हैं, तो बहुत खूबसूरत इश्तिहार जो है वो बनते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इश्तिहारात की वीडियो भी मैं बनाऊँ आइंदा, जब भी बनाऊँ तो इंशाल्लाह इसी एतबार से बनाते रहेंगे। बहरहाल ये अपने अपने एतबार से जो है वो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, अगर आपने जैसे जैसे आपने लिखनी है, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो हो, पूरी जो है वो सारी की सारी चीज़ें देखें, साइज़ जो है वो देखें, और सर्कल वगैरह अगर आपको नहीं मिल रहा जो मैंने शुरू में लगाया, तो ये आप रابطہ कर सकते हैं, कमेंट कर दें नंबर वगैरह, तो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे भी आपको यानी जो है वो मैं सेंड कर दूंगा। तो बहरहाल ये इसी एतबार से अब मैं अपने सारी जो है वो सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। ये अपने अपने एतबार से मैं सेट करते जा रहा हूँ। अब मैंने लिखा है कसूर, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा ऊपर जो है वो लिखना होता है, अभी मुकर्रर शीरी बयां फलां फलां, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने अपने एतबार से मैं सेट करते जा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। और बहुत से जो अलकाबात वगैरह लगाने होते हैं, उन अलकाबात को अपनी ये देखो थोड़ा सा ये नीचे हो गया ना, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दो जो होते हैं इनके एतबार से एक जो होता है उसको पीछे खींच दें, पीछे खींचेंगे फिर वो हो जाएगा बाज़ दफ़ा। लेकिन ये भी होता है कि जब वो जहाँ स्पेसिंग वगैरह होती है ना, वहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ जाता है, तो वहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया करें। बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आती चली जाएगी। तो ये अब हमारा जो है फुल जो है वो तैयार है, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ी सी यानी सजावट के लिए जो निशानात वो होते हैं ना, वो चीज़ें वो हमने अब लगाने हैं। तो मैंने वो पहले से डाउनलोड कर रखा है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ये उर्दू डिज़ाइनर एक ऐप है उससे भी मिल जाएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूँगा। तो ये मैंने वहाँ से डाउनलोड किया, ठीक है। इसका आप कलर चेंज कर लें, वाइट कर लें, क्योंकि मैंने नाम वाइट में लिखा है। तो ये अपने एतबार से मैं अब इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेट करता रहूँगा, जहाँ जहाँ खाली जगह नज़र आए वहाँ, क्योंकि इससे फिर ना चीज़ अच्छी लगती है, इससे फिर वो जो है वो खूबसूरत बनाने के लिए लगाया जाता है, तो इस एतबार से फिर लगाते रहें। तो ये मैं अपने अपने जहाँ जहाँ जगह खाली नज़र आए वहाँ वहाँ जो है फिट करते रहें इनको, मैं अपने अपने जहाँ मुझे अच्छा लग रहा है मैं वहाँ अपने एतबार से इसको फ़िट करते जा रहा हूँ। तो आप भी देख लें,
और जैसे आपको मुनासिब लगे, जहाँ जहाँ आपको लगे वहाँ वहाँ अपने एतबार से फिट कर लेना, ठीक है। तो आप देखें, ये मैंने अपने 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 हिसाब से जो है मैं इनको सेट कर रहा हूँ, और सारे के सारे जो है इससे देखें अब बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही ज़बरदस्त नाम जो है ये लग रहा है। और इसी तरह इश्तिहार जो है वो इस्लामिक इश्तिहार वो बनाए जा सकते हैं। जब ये बनाया, ये इतना प्यारा नाम जो बन सकता है, तो इसी एतबार से इश्तिहार भी बन सकता है। जब इश्तिहार आप तैयार करें वो भी इसी एतबार से, मैं इसी एतबार से जो है वो इश्तिहार जो है वो बनाता हूँ। तो ये देखें, अब हमारा बहुत ही खूबसूरत जो है ये नाम तैयार हो चुका है। अब हमने देखना है, इसको हमने व्हाट्सअप पे यानी DP वगैरह के लिए इस्तेमाल करना है। बैकग्राउंड इसका हटाना है, बैकग्राउंड इसका चेंज करना है। तो ये तीर का निशान आपको बता रहा है इधर जाना है। अब यहाँ से हमने इसको क्या नाम है, इसका जो बैकग्राउंड हटा लेना, ये यहाँ से ये वाला जो निशान है इस पर क्लिक करें। ये देखे बैकग्राउंड जो है सारा हट चुका है, ठीक है। अब हमने इसको सेव कर लेना, सेव कर लेंगे तो ये इसी एतबार से सेव हो जाएगा। सिर्फ नाम ही, बैकग्राउंड अब इसका हट चुका है, अब सिर्फ हमारे पास यानी DP और लोगो दोनों कह सकते हैं इसको, और ये हो गई सेव। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।